नमस्ते स्टूडेंट, आज हम हिंदी में गद्य नंबर एक बड़े भाई साहब उसका व्यास करेंगे। उसे लेखक है प्रेमचंद। उसकी जो साल है 1886 के आसपास वो हो गए। 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लंबी गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया है। हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया है। लंबी गांव में वो जन्मे थे 1880 में 31 जुलाई 1880 में जन्मे थे। इस पाठ के बड़े भाई साहब में उसकी थोड़े स्टोरी की बात की तो यही पर टेंशन लेखक है और उसके बड़े भाई जो उम्र में उससे 5 साल बड़े हैं, उम्र में उससे 5 साल बड़े हैं, लेखक यानी कि टेंशन और उसके बड़े भाई दोनों की पढ़ाई कर रहे हैं। बड़े भाई जब पढ़ते हैं सारे दिन वो किताब में ही पढ़ते रहते हैं सारे दिन, और वो अपने धर्म समझते हैं कि लेखक उसका छोटा भाई है और उम्र में भी 5 साल छोटा है, तो लेखक को वो बार बार संदेश उपदेश देते हैं और कभी कभी डांटते भी है। वो उसका धर्म समझते हैं कि मैं बड़े भाई के नाते छोटे भाई पर वो डांटूं और उसको बार बार उसको संदेश। एक स्कूल में पढ़ते हैं लेखक है प्रेमचंद, वो कभी कभी बड़े भाई से छिप कर अपने हॉस्टल से निकलकर प्राकृतिक वातावरण में मैदान में खेलने के लिए चले जाते हैं। फिर कभी कभी बड़े भाई उसको देखते हैं तो यहीं पर डांटते हैं भाई साहब। फेल हो गए लेखक, पास हो गए।
एहसास हुआ कि मुझे पढ़ना चाहिए। फिर बड़े भाई ने फिर लेखक को डांटा और कहा कि आप कक्षा में पास हो गए तो आपको घमंड आ रहा है और मैं फेल हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, आप कक्षा में पास हो गए तो घमंड हो गया। इस तरह बड़े भाई साहब ने लेखक को डांटते गए। मेरी कक्षा में आकर देखना मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट कैसे कितने हाल हो गए वो मेरी कक्षा में आकर देखना, आप पास हो गए तो आप घमंडा गया। ऐसा वो बड़े भाई साहब लेखक को डांट देते हैं, यानी लेखक को डांट देते हैं। फिर भी लेखक कुछ नहीं बोलते थे और अच्छी तरह पढ़ाई करने का उसे उपदेश देते थे। ऐसे ही चलता रहा। हर रोज लेखक है वो बड़े भाई से सीखकर प्राकृतिक वातावरण में मैदान में खेलने के लिए चले जाते थे। लेखक उसको जब जब चले जाते थे बड़े भाई साहब उसको देखते थे और डांटते थे। फिर दूसरी साल अब लेखक और बड़े भाई साहब में अगर बड़े साहब भाई साहब फेल हो गया, लेखक पास हो गए, तीन दर्जे का जो अंतर था वो दो दर्जे यानी दो कक्षा का अंतर हो गया। अब दो कक्षा का ही अंतर हो गया। लेखक छह से सेवन में आए और बड़े भाई साहब नाइन में गए। बड़े भाई साहब नाइन में, यानी कि दो का दर्जे का अंतर बढ़ गया। दूसरी साल फिर परीक्षा हुई, वार्षिक परीक्षा हुई। हुआ ऐसा कि लेखक के दो बड़े भाई वो सारा दिन पढ़ाई में अपना ध्यान रख रहे थे। वो पढ़ते क्या क्या नहीं पढ़ते थे वो मालूम नहीं, लेकिन सारा दिन वो किताब में लेकर बैठे रहते थे। हुआ ऐसा वार्षिक परीक्षा हुई, लेखक है वो अपने दर्जे में अपनी कक्षा में अव्वल आए, अपनी कक्षा में अव्वल यानी फर्स्ट आए, और उसके बड़े भाई साहब फेल हुए। उसके बड़े भाई साहब जो सारे दिन किताब में पढ़ते थे फेल हुए। अब लेखक और उसके बड़े साहब बड़े भाई साहब में जो कक्षा है जो दर्जे का अंतर है वो एक ही का रहा। अब एक ही का दर्जा वो सेवन से एट आए लेखक और जो उसके बड़े भाई साहब नाइन में गए। अब उसके बड़े साहब भाई साहब को थोड़ा मन में लगा कि वो पढ़ता नहीं है, फिर भी कक्षा में अव्वल आता है, पढ़े या ना पढ़े लेकिन कक्षा में अव्वल आता है। मैं सारे दिन कुछ नहीं पढ़ता रहता हूँ फिर भी फेल होता हूँ, मुझे अब मेरे छोटे भाई को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। वो उसके मन में लगा, वो बड़े भाई साहब के मन में ऐसा लगा कि मुझे उसको उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी वो अपना जीवन छोड़ते नहीं है। एक दिन जो लेखक है लेखक पतंग के लिए पतंग उड़ाने के लिए और पर्व को आपको पकड़ने के लिए वो हॉस्टल में से छिपकर बड़े भाई से छिपकर निकल पड़े और वही खेले पकड़ने के लिए जा रहे थे। तभी बड़े भाई साहब वहीं पर गुजर रहे थे और उसकी मुलाकात हो गई। फिर बड़े भाई साहब को मौका मिला, फिर उसको वहीं पर डांटा और कहा तो लोग आज की कक्षा पास करकर उसको डांट कर सुनाया कि लोग आज की कक्षा में जब आते थे और पास करते तो बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हो जाते थे। पहले तहसीलदार यानी कि अधिकारी बन जाते थे, नायब तहसीलदार जैसे पदों पर वो आठ की कक्षा पास करके नायब तहसीलदार जैसे पदों पर वो नियुक्त हो जाते थे, बड़े बड़े पदों पर वो अधिकारी बन जाते थे। और आप आठवीं कक्षा में
सारे शब्द पे भी पढ़ाने के लिए लिखता था, लेकिन बड़े भाई की हर बात को वो मानता था। इसलिए इस बात से ही साल यही मुझे मिलता है कि हर व्यक्ति को, हर इंसान को उससे बड़ा व्यक्ति जो पेरेंट्स है या उससे बड़ा भाई है जो भी वो उसको उपदेश देता है, उस उपदेश को हमें छोटे भाई के नाते उस उपदेश को मानना पड़ता है। जो भी कोई बड़ा व्यक्ति है, मेरे लिए कोई बड़ा व्यक्ति हमसे है और हमें पढ़ाई के लिए बार बार हमें टॉर्चर करता है, बार बार हमें कहता है, तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, उसका कहना हमें मानना पड़ता है और हमें अच्छी तरह उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। वही हमें अपने जीवन में आगे ले जाती है। यही एक बात है छोटी के बड़े भाई साहब, हम उसको पढ़ते हैं आगे। आप सुनना, आपको भी खूब रखना तो आपको अच्छी तरह मालूम पड़ेगा। तो बड़े भाई साहब, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उसके लेखक कह रहे हैं मेरे भाई मुझसे 5 साल बड़े थे लेकिन केवल 3 कक्षा 3 दर्जे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तारीख जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। तारीख जैसी महत्व के मामले में वह जल्दबाजी काम लेना पसंद करते। इस भवन की बुनियाद को मजबूत करना चाहते थे जिस पर आलिशान महल बन सके। वो पढ़ना तारीख में ओनली फॉर पटना को उसको वो समझते नहीं, लेकिन वो उसकी जड़ तक पहुंचना था, अच्छी तरह पढ़ाई करना किस तरह पढ़ाई करना, जिस पर आलिशान महल बने। 1 साल का काम वो 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल में लगा देते। बुनियादी मुद्दा न हो तो मकान कैसे बन जाए, वो इसी तरह पढ़ाई करने गए कि जो कोई भी मकान होता है तो उसका जो पाया है वो बहुत मजबूत होता है, तभी उस पर आलिशान महल बन जाए। एक साल का काम 2 साल में, 2 साल का 3 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल लगा देते। उसका मतलब एक ही कक्षा में उसने 3 साल की पढ़ाई की थी। उसी वक्त में मैं छोटा था वह बड़े थे, मैं छोटा था वे बड़े थे। मेरी उम्र 2 साल की थी वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी कमी और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था और मेरी सारी का ऐसी दिल थी कि उनके भूख को काट नहीं सकते। लेकिन मैं छोटा था वो मुझसे 5 साल बड़े थे, मैं छोटा था वो मुझसे 5 साल बड़े थे। मुझे डांटना, मेरी निगरानी रखना उसका पूरा अधिकार और उसका जन्म सिद्ध अधिकार था, इसलिए वो मुझे काट दिया। वह स्वभाव से बड़े अध्ययन से थे, वह स्वभाव से बड़े अध्ययन से सारे दिन पढ़ने में रहते थे, हर दिन किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर। वह स्वभाव से बड़े अध्ययन से थे, हर दिन किताब खोले बैठे रहते थे और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी पर किताब पर बसों पर चढ़िया कुत्तों बिल्लियों को तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द वाक्य 10 बार लिख डालते थे, कभी एक शेर को बार बार शब्द अक्षर में नकल करते थे, कभी ऐसी शब्द रचना करते थे
नहीं था, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल लगा था। एक घंटा भी किताब है तो लगता पहाड़ जैसा था। मौका पाते हुए वर्षों से मतलब मैदान में आता था और कभी कंपनिया उठा कभी कागज से कितना उठा था और कोई कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी चार दीवार पर चलकर नीचे कूद रहे, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए भोजन का कामन उठा रहे। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का अवरुद्ध रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता कहां थे, हमेशा यही सवाल इस सभी में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों नहीं निकलती कि जरा बाहर फैल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार और भाई साहब के लिए उसे सिवा उनका कोई इलाज न था कि स्नेह और दोस्त से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं था। मैं बार बार बाहर जाकर खेलने कभी कलकारी दर्शन था कभी कागज कितने बनाकर उड़ाता था कभी चार दीवार पर चलकर नीचे उतरते थे कभी मोटर कार चलाते आने उठाते थे। बस कभी ऐसे बाहर खेलने खेलकर जब भी मैं आता था हॉस्टल में तो बस लेखक मुझे एक ही प्रश्न करते थे आप कहाँ थे, तो उसके सामने मैं कुछ भी बोल नहीं सकता था और बस ऐसे ही उसकी बातों को सुनता रहता था। इस तरह मुझे पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक भर पुनः आएगा। बार बार जो लेखक है वो लेखक को बार बार उसके बड़े भाई को डालते रहते थे। इस तरह मुझे पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे एक हर पुनः एक शब्द भी आपको नहीं है। अंग्रेजी पढ़ना कोई ऐसे किसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले नहीं ये केरा नहीं तो केरा, सभी अंग्रेज के बीमार हो जाते थे। यह रात की नाके फूटनी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है तब कहीं विद्या आती है और आती है तो क्या हाँ कहने को आती है। बड़े बड़े विद्वान जी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा और मैं करता हूँ तुम कितने भोगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेरे तमाशे होते हैं मुझे तुमने कभी देखने ज्यादा देखा है, रोजी क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं मैं पास नहीं भटकता हमेशा पढ़ता रहता हूँ उस पर एक एक दर्जे के दो दो तीन तीन साल बना रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यो खेल तुम्हें वक्त गवा कर पास हो जाओगे, मुझे तो दो ही तीन साल लगते हैं तो उम्र भर इस दर्जे में बने रहेंगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो, दादा की गाड़ी कमाई की रोटी को बर्बाद कर दो। इस तरह जो लेखक जो बड़े भाई है वो बार बार उसको डांटते रहते हैं, बड़े भाई उसको बार बार डांटते रहते हैं, कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना तो मेरा या उच्च नहीं, अंग्रेजी पढ़ने के लिए बहुत बड़ी संकट है। आप देखते हैं मैं सारे दिन यही पर आके फूट देता हूँ किताबों में और आप पास में ही क्रिकेट और हॉकी का होता है, पास में ही हॉकी और क्रिकेट का मैच है तो आप देखते हो तो कैसे हॉकी और क्रिकेट का मैच है तो क्रिकेट और हॉकी का मैच आप सारे दिन खेलते रहते हो तो आपको मालूम होता है वही खेला है तो मैं फिर भी वही पर पास में से गुजरता नहीं हूँ, मैं कभी पास भी गया नहीं हूँ। अगर तुम्हें फिर भी मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ फिर भी एक कक्षा में दो तीन साल पढ़ा रहता हूँ तो आप कैसे कैसे पास करोगे, आपको पढ़ना नहीं है घर जाकर आप गुल्ली डंडा खेलो और जो दादा की गाड़ी कमाई है उस रुपयों को बर्बाद कर दो। मैं यह लगातार सुनकर आंसू बहाने लगता, जवाब ही क्या था अपराध मैंने किया लगातार कौन सा है, भाई साहब बुद्धिस्ट की कला में निपुण है, ऐसे ऐसे लगती बातें कहते ऐसे ऐसे सुशील वाक्य चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और हिम्मत उठ जाती। इस तरह जान जोड़कर मेहनत करने की वो शक्ति में अपने में दम पाता था और उसे निराश में चला गई। देर के लिए मैं सोच लगा क्यों ना घर चला जाऊं, जो काम मेरे बुद्धि के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी
वॉलीबॉल की प्रतियोगिता स्फूर्ति मुझे अपने आप पर अनिवार्य रूप से खींच ले जाती है और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। वह जानलेवा टाइटल वाले वह आपको कोई पुस्तक किसी की याद अगर जो भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिलता है। मैं उनके सारे से बातें उसकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता कमरे में उसके कदे पांव से आता कि उन्हें खबर उसकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकल हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया में बंधन में बेफटकर और मुठिया खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं है। टाइम टेबल बनाना एक अच्छी बात है लेकिन इसका अमल करना एक मुश्किल बात है। मैंने टाइम टेबल बनाया लेकिन उसका अवहेलना कर उसकी अवहेलना करता था। जब भी मैं मैदान में देखता था तो उसकी हरियाली हवा के झोंके वॉलीबॉल का आवाज कबड्डी की दावा ये सब सुनकर मेरा ध्यान यही पर भटकता रहता था भूख में रहता नहीं था और मैं वही पर चला जाता था। फिर भी जो बड़े भाई साहब जो मुझे नसीहत देते थे बार बार लेकिन जो उसको नसीहत देते वो डांट सुनकर भी मैं उस पर मैं चला जाता था। जैसे कोई आदमी है और मौत और विपत्ति के बीच पर बीच कर भी वो मोह माया को छोड़ता नहीं उसी प्रकार में बड़े भाई साहब की फटकार और मूर्तियां सुनकर भी खेलकूद का तिरस्कार नहीं कर सकता था। आगे का बात हम उसका जो नेक्स्ट लेक्चर में उसका हम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में उसका जो सिलेबस है जो आगे का